हेलो फ्रेंड्स, फेस्टिवल के सीजन में जब हम मीठा खाकर बिल्कुल बोर हो जाते हैं तो ऐसे में मन होता है कि साथ में कुछ अच्छी सी चटपटी सी नमकीन स्नैक्स हो तो मज़ा मीठा खाने का बिल्कुल दुगना हो जाता है। तो आइए आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, मसाला काजू की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही चटपटी मसालेदार होती है, जिसे आप मीठे के साथ बहुत अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट भी करती है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे एक मिक्सिंग बॉल ले लिया है, जिसमें मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ और 1 टीस्पून अजवाइन, जिसे हम हाथों से अच्छी तरीके से मसल कर डाल देंगे, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इन सबको डालकर हम पहले सूखा ही मिक्स कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पे 1/2 कप ऑयल डाल रही हूँ और इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। आप इसे दोनों हाथों के साथ रब करते हुए मिलाएं, इसे हम मोयन लगाना भी कहते हैं। आप इसे चेक करने के लिए हाथों में बांध कर देखिए, अगर ये आसानी से बंध जा रही है इट मीन्स कि हमारा मोयन बिल्कुल सही है। इससे हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ही खास्ता बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी। अब मैं इसमें ठंडा पानी डालूंगी और पानी हम बिल्कुल थोड़ा डालेंगे और इसे मिक्स कर कर देखते जाएंगे। थोड़ा हार्ड ही डो बनाकर तैयार करना है, गीली नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे होंगे ये अच्छे तरीके से ये डो इसकी बन गई है और पानी बहुत ही थोड़ी सी लगी है। अब इसे हम एक गीले कपड़े से ढककर लगभग 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने को रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसे थोड़ा सा फिर से गूंथ लूंगी। आइए अब इसे हम बेलकर रेडी करें। इसका हम 2 पोर्शन बना लेंगे और अब आप इसे बेल लें। इसे हमें थोड़ा मोटा ही बेलना है, मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये देख रहे होंगे इतना मोटा हम इसे बनाकर बेलकर रेडी कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ढक्कन आप ले लें और इसे इस तरीके से बिल्कुल साइड से हम इसे निकालेंगे। फर्स्ट जो आप निकालेंगे उसकी शेप काजू जैसे शायद ना हो, लेकिन सेकंड बिल्कुल अच्छे तरीके से निकलेगी। ये देखिए है ना, बिल्कुल काजू जैसे शेप बनकर आ रही है। बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे इसी तरीके से दबाते हुए निकालते जाएं और ये आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी। और जब ये लास्ट में थोड़ी सी बच जाए तो इसे वापस से हम मिक्स कर कर एक पेड़ा बना लेंगे और फिर इसे बेल कर उसी प्रोसेस की तरह हम इसे कट कर कर इसके सारे पीसेस रेडी कर लेंगे। आप इसे बनाने के लिए अपने घर में बच्चों की भी हेल्प ले सकते हैं, ये बच्चों को करना बहुत पसंद आता है। तभी हमारी सारी काजू बनकर बिल्कुल रेडी है। आइए अब इसे फ्राई कर लें। हमने यहाँ पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। पहले हम एक छोटा सा टुकड़ा डालकर चेक कर लेंगे। जब ये बिल्कुल धीरे से ऊपर आ रही हो इट मीन्स कि हमारा ऑयल बिल्कुल सही टेम्परेचर पर गर्म है। और अब हम इसमें काजू डाल देंगे और इसे फ्राई करेंगे। लो टेम्परेचर पर आप इसे फ्राई करें। जब आप देखें कि इसकी जो बबल्स हैं वो कम हो रही है तो इट मीन्स कि अब ये सेक चुकी है, अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। इसमें हल्की सी कलर भी आ गई है तो हम इसका ऑयल साइड में करके थोड़ा सा निकाल लेंगे। आप ये देखिए कितनी अच्छी सी कलर आई है। इसी तरीके से हम सारा काजू बना करके फ्राई कर रेडी कर लेंगे। और अब इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे। ये बिल्कुल फटाफट आप जैसे ही फ्राई करते हैं गरम गरम ही आपको इसमें मसाला ऐड करना है, जिससे ये अच्छी तरीके से इसके चारों ओर कोट हो जाएगी। तो हमने 1 पाउच मैगी मसाला डाल दिया है और अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून पीपल पाउडर डाल रही हूँ। अब इसमें 1/2 टीस्पून चाट मसाला, थोड़ी सी ब्लैक सॉल्ट, इन सबको हम डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपकी नमकीन में ये मसाले कोट नहीं हो रहे हो तो आप इसमें थोड़ी सी ऑयल डाल दें, गर्म ऑयल 1 टीस्पून डालकर। उसके बाद सारे मसालों को आप टॉस करें, मिक्स करें तो ये सभी पीसेस में कोट हो जाएगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो हमारा मसाला काजू बनकर बिल्कुल रेडी है। देखने में ये काफ़ी चटपटी और मसालेदार लग रही है, आप यकीन मानिए खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसका जो फ्लेवर है ना, इसके जो मसालों का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है। तो आप इसे इस फेस्टिवल में ज़रूर बनाएं। इसे बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और आप इसे बनाकर
1 वीक और 10 डेज के लिए तो हम बड़े आराम से एयरटाइट कंटेनर में इसे स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने कमेंट्स भी लिखकर ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।